वेलकम 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 बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो गाइस। आज के दिन हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसे वर्ल्ड का कदम रखने वाले हैं जहां पर होने वाले सिर्फ और सिर्फ एक चेस्ट। यस गाइस, ये है गाइस वो वाला मैजिकल वर्ल्ड जहां पर तुम लोगों को दूर दूर तक कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इस चेस्ट के अलावा। एंड मेरा सिस्टम मिस्टर फलाना जी ने मुझे बोला है कि आज मुझे किसी भी हालत में इस एंडर ड्रैगन को पेलना है। तो गोल हम लोगों का एकदम सिंपल है, इस एक सिंगल चेस्ट के दम पर आज हम लोगों को पूरे तरीके से सर्वाइव करना है एंड एंडर ड्रैगन को मारना है किसी भी हालत में। सो इफ यू गाइस एक्साइटेड गाइस लीव अ लाइक। मैं देख रहा हूं आजकल लाइक करने वाले गायब हो चुके हैं, तो लाइक जरूर कर देना। और मैं इसको अभी खोलने वाला हूं। 3, 2, 1, लेट्स गो। क्या इसके अंदर? ओह माय गुडनेस ब्रो, इतना ज्यादा सामान मैंने जिंदगी में पहली बार देखा लाइक माइनक्राफ्ट को शुरू करते ही। और मैं देखने वाला हूं एग्जैक्टली इसके अंदर हमको क्या क्या चीजें मिलने वाली। मैंने अपनी इन्वेंटरी के अंदर ही चेक करने वाला। ओह माय गॉड, नेदरराइट की लैगिंग्स मिल चुकी है, लेट्स गो। नेदरराइट की चड्डी हमारे पास ऑलरेडी आ भी चुकी है। एंड उसके अलावा ओके, यहाँ पर हमारे पास इतने सारे ब्लॉक्स है गाइस कि हम लोग वेट अ सेकंड, मैंने चेस्ट के ऊपर लगा नहीं पा रहा था, आई गेस मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। भाई साहब, कांट बिलीव कि मैं यहाँ पर एक वन ब्लॉक की वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना। अंदर आते ही इतना ज्यादा खतरनाक वाली प्रोग्रेस, वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर। देखिएगा गाइस तुम लोगों ने आज तक, और मैंने यहाँ पे गलती से दो ब्लॉक्स ऐसी जगह पे लगा दी। मेरा पिकैक्स नहीं है यार, पिकैक्स नहीं है मेरे पास। अब इन दोनों को हाथ से तोड़ने में ना अगली साल लग जाएगी। जब तक गाइस मैं इन दोनों ब्लॉक्स को तोड़ता, तुम लोग इस वीडियो पे लाइक मार देना और चैनल पे नहीं तो गाइस सब्सक्राइब भी जरूर करना, बिकॉज आगे बहुत ज्यादा हाउस वीडियोस आने वाले हैं। सच्ची बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, बहुत तगड़े आइडियाज मेरे दिमाग में है अभी। एंड लेट्स गो। और मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भैया वो एक मेन ब्लॉक हमारा कौन सा है जहां पर हमारी चेस्ट है उसके नीचे, ठीक है ना। बिकॉज गाइस मेरा सिस्टम मिस्टर फलाना जी ने मुझे बोला है जैसे यहाँ पे रात से सुबह होगी ना, उसी टाइम पर ये जो चेस्ट है ऑटोमेटिकली फिल हो जाने वाले रैंडम चीजों के साथ, और इन्हीं रैंडम चीजों के दम पर आज हम लोगों को एंडर ड्रैगन को बीट करना है। ऑल राइट, तो इधर के लिए मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करने वाला। भाई डबल क्लिक क्यों हो रहा है, राइट क्लिक, मेरे से को समझ नहीं आ रहा है। तू भी यहाँ पे आ जा, तू भी यहाँ पर आ जा। आई गेस फिलहाल के लिए इतना बड़ा हमारा काफी होने वाला है गाइज। ये प्लेटफॉर्म एक काम करते हैं ना भैया, बेड को नीचे लगाकर राइट क्लिक करते हैं ना, इस पर अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूं। मैं देखता हूं एक बार क्या। देखो, ओह माय गॉड, नेदर जाने की जरूरत ही नहीं है, नेदर जाने की जरूरत ही। ब्लेज पाउडर्स वो भी भर भर के। भैया रुको, शल्कर बॉक्स मेरे सामने पड़ा हुआ है। शल्कर बॉक्स के अंदर क्या करते हैं गाइस, सामान को अंदर रख देते हैं। देखो यहाँ पर सैपलिंग्स वगैरह पड़ी हुई है, बट मेरे पास यहाँ पे सैंड नहीं है, आई मीन लाइक क्या बोलते हैं, ग्रास वगैरह नहीं है। तो ये सैपलिंग्स फिलहाल के लिए हम लोगों को पेड़ निकाल के दे नहीं सकती है। 32 फर्नेस का मैं क्या करूंगा भैया। कुक्ड सैल्मन, लेट्स गो, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं भैया, ऑलरेडी यहाँ पे कुक्ड सैल्मन मिली। उसके अलावा कुछ और है जो कि मैं यहाँ पर पका सकता हूँ, फैंटम मेम्ब्रेन। अरे वाह भाई, फैंटम का भेजा दिया हुआ हम लोगों को, जो कि सच्ची बताओ तो किसी काम करने। ड्राइड कैल्प गाइस हम लोग यूज कर सकते हैं एज फ्यूल। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो किसी और चीज की जरूरत है। हाँ यहाँ पे रात होगी गाइस, तो उस रात के लिए ना मैं काम करता हूँ, रेड स्टोन वगैरह यहाँ पर मैं यूं लगा के रखता हूँ। एंड जब तक यहाँ पे रात होती है हमारी, तब तक इस प्लेटफॉर्म को हल्का फुल्का और मैं ना बड़ा कर लेता हूँ इस डायरेक्शन के लिए, ठीक है ना। इसको हल्का फुल्का, हालांकि बड़ा बड़ा करने की जरूरत है नहीं है, बट स्टिल जब तक हम लोग यहाँ पे एंडर ड्रैगन को मारने के लिए जाएंगे, इस वर्ल्ड को थोड़ा बहुत सुंदर तो बनाना पड़ेगा ना भैया। तो यहाँ से काम करता, अरे यार डबल क्लिक क्यों हो रहा है मुझसे, राइट क्लिक। मेरे को यहाँ पे सबसे पहले कैसे पिकैक्स बनानी है, मेरे पास लकड़ियां नहीं है यार। काश यहाँ पे लकड़ी आती तो मैं एटलीस्ट अपने पिकैक्स तो बनाता, उसको बाद में तोड़ने वाला हूं मैं। एंड यार गाइस, बाकी जितना भी हमारा, रुको, रेड मशरूम शायद से हम लोग यहाँ पे ना वो निकाल सकते हैं। मशरूम टूटता कैसे? नहीं, इससे मशरूम नहीं टूट रहा है, नो वेस्ट जुड़िए, भी वेस्ट हो रहा हमारा। इसको मैं फिलहाल को ऊपर डालने वाला हूँ, नेदर ब्रेक्स ये किसी काम का नहीं है सिवाय सैल्मन के, बाकी कोई भी चीज उतनी ज्यादा हमारे फिलहाल को काम किया है। व्हाट द हेल इज दिस ब्रो, जंगल बोट विद चेस्ट। ये ना नए नए 1.19 के फीचर है, सच्ची बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को भैया, 1.19 में खेला ही नहीं है गेम को आज तक अभी। देख रहे हो तुम लोग, माइनक्राफ्ट के प्रो प्लेयर्स जिन्होंने 1.19 में गेम को खेला ही नहीं है, ऐसे होते हैं भैया। मेरे को ना थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को बड़ा करना, मेरे को ना थोड़ी सी गाइस गेड़ियां मारनी है चेस्ट वाली बोट के अंदर है, सच्ची में बहुत ज्यादा मन कर रहा है मेरा। भाई ये पता नहीं कौन से नए नए टाइप के ब्लॉक्स यहाँ पर आ चुके हैं, सच्ची बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, पहली बार देखे मैंने ये। चलो जी आ जाओ। ओ यस, चेक दिस आउट, अब हम लोग बोट के अंदर मैं समझ चुका गाइज, ये फीचर है हमारा कि अगर हम लोग कभी बहुत ज्यादा दूर कहीं जाते हैं पानी के सफर में, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके लाइक लूट वगैरह लेकर आ सकते हैं। अब एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे गाइज, रात होने का वेट करते हैं और अपनी चेस्ट के रिफिल होने का वेट करते हैं। मच लेटर। व्हाट, ये आवाज कैसी आई? ओ वेट अ सेकंड ब्रो, यहाँ पर तो अभी सुबह हो रही भाई। आई डोंट नो क्या ग्लिच है, बट मेरे को यहाँ पे ना चेस्ट के अंदर से एक्स्ट्रा सामान आ चुका है। ओके, 7 एमरल्ड्स। 7 एमरल्ड का कोई काम नहीं है, नेदर स्टार। व्हाट द हेल इज दिस ब्रो, एंड
पोर्टल का फ्रेम गलती से भी उसको मैंने अगर नीचे प्लेस कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी, क्योंकि उसको मैं तोड़ नहीं पाऊंगा फिर। बहुत ही सारा ब्रो, व्हाट इज दिस? यहाँ पर हमारे पास देखो खाने का सामान तो जो मिला है वो तो बेस्ट है, सच्ची बता रहा हूँ, 24 steaks लाइक बेस्ट है, बट मैं कैरेट वाला स्टेक का क्या करूंगा, मैं कोई पिग थोड़ी हूँ जो मैं इसके लिए लूर हो जाऊंगा यार। ओ माई गॉड, थैंक यू गॉड मेरे को यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियां देने के लिए। चलो फाइनली गाइस, अब जाकर मैं अपने लिए यहाँ पर बना सकता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल, एंड क्राफ्टिंग टेबल के साथ नाउ आई कैन मेक वन पिकैक्स। ओके, मैं इसको यहाँ पर सबसे पहले तोड़ूंगा, टूट जा, शाबाश, पर आपको ही मैं ऊपर डालने वाला हूँ। ओके गाइस, और चीजें देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज हमको मिलने वाले। भाई साहब, एन्चेंटिंग वाली बोटल्स मिली, स्मोकर मिला, चलो स्मोकर भी अच्छा है हम लोगों के खाना खुना पकाने के लिए, बट आई डोंट थिंक सो कि खाना पकाने की अब तो जरूरत है भैया, 24 और 7 steak पूरी वीडियो के लिए काफी होने वाले, सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को। थोड़ी बहुत डर्ट्स मिली है गाइस, चलो डर्ट मिली है ना, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे थोड़े बहुत मैं और कोई अलग टाइप के ब्लॉक्स, जैसे हमारे पॉलिश्ड ग्रेनाइट के जो ब्लॉक्स है ना, यहाँ पर गाइस मैं क्या करता हूँ डबल लेयर के साथ मैं पीछे के लिए जाने वाला हूँ इधर के लिए, एंड हम लोगों के पास जो ये इतने सारे ये 16 ब्लॉक्स मिले हैं ना डर्ट के, यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाने वाला इसके साथ। ऑलराइट गाइस, बिकॉज यहाँ पर हम लोग अब थोड़े बहुत पेड़ वगैरह उगा सकते हैं, एंड 4 spruce की सैपलिंग्स और भी सैपलिंग्स थी, हाँ 2 ये रही हमारी, आई डोंट थिंक सो कि मुझे उन 2 की जरूरत है। मैं एक काम करता हूँ भैया, 1, 2, 3 और 4 4 spruce की सैपलिंग्स लगाएंगे ना तो भैया यहाँ पर बहुत ही बड़े वाला पेड़ हम लोगों को देने वाला है, बहुत ज़्यादा बड़े वाला पेड़। एंड एक काम करता हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म को भी ना थोड़ा इधर के लिए मैं यूं करके बड़ा कर लेता हूँ, यूं करके। ओके, अरे भाई कितना फास्ट राइट क्लिक हो रहा है मेरा, ना सच्ची बता रहा हूँ दिमाग खराब हो रहा है इस चीज़ के लिए, नॉट इवन जोकिंग, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस चीज़ के लिए मेरे को। और चलो भैया पेड़ के आसपास भी मैं यूं करके ना बहुत सारे ब्लॉक्स वगैरह लगाने वाला हूँ, ठीक है भैया। आई थिंक गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वर्ल्ड के अंदर ना हम लोगों को ये नहीं मिलने वाला है, क्या बोलते हैं, कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलने वाला नहीं, हम लोगों को खुद ही बनाना पड़ेगा शायद स्ट्रॉन्ग होल्ड, बिकॉज उस चेस्ट के अंदर से एक एंड पोर्टल के फ्रेम तो मिला, आई डोंट नो मिलता है कि नहीं मिलता, मैंने कभी इस वर्ल्ड को खेला नहीं है, बहुत ही ज्यादा रैंडम है चैलेंज मेरे लिए, सच बता रहा हूँ मैं। और अभी मेरे को एक और चीज चाहिए थी, आई गेस मैंने देखा था इससे पहले यहाँ पर बहुत, अरे यार मुझे लगा था कि यहाँ पर बहुत सारे वो पड़े होंगे। कैन आई डू वन थिंग, क्या मैं इसका स्लैब्स बना सकता हूँ? नहीं, हम लोग टेराकोटा के स्लैब्स बना नहीं सकते हैं। और क्या क्या सामान है भैया, लेट मी चेक, स्मूथ स्टोन, ओ भाई स्मूथ स्टोन के हम लोग जरूर यहाँ पर बना सकते हैं बहुत सारे स्लैब्स। और अब देखो गाइस, इस प्लेटफॉर्म को बनाते हैं यहाँ से बड़ा स्मूथ स्टोन के साथ। ओके, इधर के लिए, अरे भाई गलत ब्लॉक लगा दिया यार, ये स्मूथ स्टोन लगाना था, इसको तोड़ो यहाँ पर और इसको यहाँ पर लगाना स्टार्ट करो। चल चल भाई, इधर के लिए इसको पूरा बड़ा कर ले, और यहाँ से मैं इसको ना इधर के लिए लेके जाने वाला हूँ। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और बस ये कम ना पड़ जाए, क्योंकि मेरे को अगर अनइवन होगा ना कहीं मेरा ना यहाँ पे OCD ट्रिगर हो जाएगा सच्ची में, अगर अनइवन हुआ तो यूं करके। और जो ये यहाँ पे डबल डबल ये जो डबल ब्लॉक्स लग रहे हैं मेरा OCD ट्रिगर कर रहे हैं सच्ची में, बहुत सारा गुस्सा आ रहा है ये लेकर फिर से। अरे भाई मैं एक क्लिक कर रहा हूँ, दो दो बार क्यों जा रहा है ये, क्या है ये भाई, ये किस टाइप की पनिशमेंट मिल रही है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आई थिंक गाइस अभी ना मैं यहाँ पर नई चेस्ट का वेट करने वाला हूँ, मैं इसके बाद इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, लेट्स जस्ट वेट फॉर अनदर डे। ओ गाइस, एक और वाली आवाज आई, ओ आई गॉट इट, आई गॉट इट, मैंने कहा यहाँ पर ना पूरी की पूरी रात यहाँ पर वेट किया, और जैसे ही अगले दिन सुबह हुई यहाँ पर उसी टाइम पर ये चेस्ट यहाँ पर फिल हुई है। ओ आई थिंक यानी यहाँ पे रात का वेट करती है, एंड देन अगले दिन सुबह सुबह ये यहाँ पर ना फिल होती है हमारी चेस्ट। आई थॉट कि सुबह से रात होगी, रात से सुबह होगी, दो बार ये चेस्ट फिल होने वाले, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल राइट, आई गॉट इट गाइस, लेट मी चेक वन टाइम, इस चेस्ट के अंदर कुछ अच्छा है भैया, देखो क्रॉस बो अच्छी चीज है, बट इस क्रॉस बो को क्या अपने सर पे मारूंगा मैं, है इसके साथ एरोस कौन देगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, बहुत ही फालतू चेस्ट है सच्ची। ओ यहाँ पर एक मेजेंटा कलर का शल का बॉक्स आया है बाय द वे, एंड लेट मी डू वन थिंग गाइस, ठीक है ना, यहाँ पे जगह बिल्कुल भी नहीं बची हुई है, यहाँ पर जो हम लोगों के इतने सारे ब्लॉक्स है ना ये वाले, इनसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को ना एक्सटेंड कर लेते हैं, और एक साइड बनाते हैं पूरी की पूरी स्टोरेज के लिए, ठीक है ना, अगर इतनी लंबी काफी होने वाली है, ये पूरी की पूरी जगह मैं यहाँ पे स्टोरेज के लिए फिल कर देने वाला हूँ। और लेट्स गो, यहाँ पर आएगा हमारा मैजेंटा शेल्कर बॉक्स जो कि मैं यहाँ पे रखूंगा, एंड इसको तोड़ना पड़ेगा। अब डोंट टेल मी कि इसको तोड़ने के बाद अलग अलग हो जाएगा। ओह नो, बोट विद चेस्ट पूरी की पूरी साथ में आती, क्या मैं इसको खोल सकता हूँ क्या? लेट, ओ माय गॉड, हम लोग यहाँ पे ना डायरेक्ट इसके ऊपर बैठ कर इस चेस्ट को भी खोल सकते हैं, दिस इज नाइस यार। आई मीन तुम लोगों के लिए शायद से हो सकता है गाइस ये वाला जो फीचर है बहुत ज्यादा कॉमन हो, बट भाई मैंने आज पहली बार देखा ना यार, मैं तो बहुत टाइम का खेल रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे गोल्डन चेस्ट प्लेट पड़ी थी, मैंने क्यों इसको अभी तक यहाँ पर पहना हुआ नहीं है, मैं सच्ची बताऊँ तुम लोगों को गाइस, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस एंडर ड्रैगनी फाइट के लिए। ओके, एक काम करते हैं, एंडर ड्रैगनी फाइट के लिए खाना वगैरह का सामान ऊपर इकट्ठा करके रखते हैं, बिकॉज वहीं पर आई थिंक ये काम आने वाला है, और ये साथ अपने पास रखता हूँ मैं, एंड ऑफ कोर्स गाइस जो बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग है इससे हम लोग लेवल्स वगैरह इकट्ठे करेंगे, अगर हम लोग अपने आर्मर्स को
इसके बाद एन्चांट वगैरह करना पड़े, तो उसके अलावा बाकी तो सारा का सारा सामान फालतू यार। मैं तो ना इनफैक्ट निकालने भी नहीं वाला हूँ, सच्ची बताओ। देखो यहाँ पे एक और मजेंटा कलर का जो शेल का बॉक्स है, इसको नीचे निकाल देते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा फॉर द स्टोरेज, खाने का सामान। बाकी ना, बाकी मेरे को नहीं चाहिए सच्ची बताओ। ये रैबिट्स फूड भाई, ये हिरण के पैर से मैं क्या करूंगा भाई, अचार डालूंगा क्या? बाकी गाइस सारा का सारा सामान मेरे लिए तो भाई फालतू है सच्ची में, तो मैं सारा का सारा सामान ऐसे निकालने वाला ही नहीं हूँ सिवाय सैपलिंग्स के। एंड ये आप गाइस एक और अगले दिन का वेट करते हैं। ओ फिर से आवाज आई, फिर से आवाज आई, फिर से आवाज आई, लेट्स गो। एंड ओम, अरे यार भाई ब्लेज रॉड में ऑलरेडी आ गई थी एक बारी। काश काश के यहाँ पर ना और एंड बोल के फ्रेम जाते भाई, अब भी और इस वक्त चल जाता मैं एंडरिंग को मारने के लिए। सही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता मैं इतना जल्दी काम करने का। यहाँ पर देखो गाइस कुछ यहाँ पे ना पिंक स्टेन ग्लासेस वगैरह, यहाँ पर मैं अपने लिए घर घूर बना सकता हूँ छोटा मोटा यार। चलो गाइस एक काम करते हैं ना, जब भैया इतना सारा सामान आ ही रहा है तो अपने लिए एक छोटा मोटा यहाँ पे रहने का जुगाड़ कर दिया जाए, है कि नहीं गाइस? इधर से बाहर चलते हैं इधर के लिए, ठीक है ना? और यहाँ पर एटलीस्ट अपने लिए एक छोटा ऐसा घर बना लेता हूँ मैं, है कि नहीं? एटलीस्ट घर ही बन जाए। Let's go boys and girls, हम लोगों का घर बन चुका है, मैं तुम लोगों का दूर से दिखाता है। ओके okay? I mean, ज़्यादा कुछ खास है नहीं है, बट यार अगली चेस्ट का वेट मैं कर ही रहा था तो मुझे लगा कि क्यों ना उससे पहले मैं यू नो एटलीस्ट इसको बना दूं। काफी ज्यादा बेसिक लग रहा है, बहुत ज्यादा बेसिक लग रहा है। आई नो गाइज, ओके लेट मी डू वन थिंग, इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए ना यहाँ पर मैं कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करता हूँ। आई थिंक अगर मैं यहाँ पे बॉयस ये हुई ना बात, अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा तो ये ज्यादा अच्छा लगने वाला है। और अभी बताऊँ मैं तुम लोगों को सच्ची बात, यहाँ पर मैं रात को स्किप भी कर सकता हूँ एंड देन हमारी चेस्ट यहाँ पे रिफिल हो जाएगी, बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू डू वन थिंग, ओके जस्ट वेट एंड वॉच। ये मैं यहाँ पर यूं करके लगाना चाहता था, ऐसे करके, ओके अच्छे तरीके से। एंड आई डोंट थिंक सो गाइस कि इस घर के अंदर ना मेरे को यहाँ पे दरवाजे की जरूरत है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टाइम तक इस वर्ल्ड के अंदर टिकने वाला तो हूँ नहीं। तो या ये बहुत ही ज्यादा पिंक प्यारा जैसा जो हम लोग के एंट्रेंस है वही मेरे लिए काफी है इस वर्ल्ड इस घर के लिए। एंड ऑफकोर्स गाइस ये जो हमारा बेड है इसको तोड़कर चलो भैया सो जाते हैं, पहले देख लेते हो। उससे पहले कुछ और काम की चीज तो नहीं थी ना यहाँ पे हमारी? हाँ ब्लेज, ओ माय गॉड 21 गोल्डन कैरेट्स रह गई थी अभी, ऑलमोस्ट बेवकूफी हो गई थी मेरे से अभी। पेपर्स भी निकाल के रख देते हैं, हु नोस कि क्या पता जरूरत पड़ जाए। एनी गाइस बाकी किसी भी चीज की मुझे जरूरत नहीं है, चलो भैया बेड नीचे लगाकर सो जाते अच्छे तरीके से, लेट्स गो बॉयज एंड गाइस। आई थिंक अब सुबह उठते हैं, हमारी चेस्ट, या चेस्ट हैज बीन रिफिल्ड बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स गो। इससे पहले भाई मैंने यहाँ पे 2-3 रातें जो बिताई मैं सोया ही नहीं, मैं क्या बेवकूफ हूँ यार, मैं स्किप कर सकता रहा इस चीज को यार सच्ची में। एंड इस बार ओ क्या ये गोट हॉर्न, वेट आर यू सीरियस, क्या मैं इसको बजा सकता हूँ क्या? नहीं बज नहीं रहा है, लेकिन आई डोंट नो मैंने इसको बजाते कैसे है ना, इसके अंदर आई थिंक कुछ तो डालना पड़ता है। खैर छोड़ो यार, फिलहाल को टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, और देखेंगे भैया और क्या क्या। ओ भाई साहब डाल एंशिएंट टेबल्स को डाल बेटे पूरा, और भाई यहाँ पे स्मिथिंग टेबल इज ऑल्सो गुड ब्रो, बट 16 का मैं क्या करूंगा भाई, मेरे को बस एक चाहिए। चलो एक काम करते हैं, एक को घर के अंदर डाल देते हैं, बाकियों को फेंक देता हूँ मैं ना, बाकी किसी काम का नहीं है। जिंदगी में पहली बार इतना ज्यादा एक्सेसिव सामान देख कर ना भाई, मेरे मन के अंदर लालच तो आ रहा है बट क्या करे। चलो पोटैटोज गाइज यू नो इनको मैं लगा देता हूँ एटलीस्ट स्मेल्टिंग करने के लिए, वेस्ट क्यों ही करना। बंडल, व्हाट इज बंडल,
हेलो, ये क्या है? 64 आउट ऑफ कुछ हम लोग इसके अंदर सामान डाल सकते हैं क्या? पर डालेंगे कैसे इसके अंदर सामान, मुझे समझ नहीं आया है। हाउ द हेल इज दिस पॉसिबल? इसको नीचे भी मैं यहाँ पे रख नहीं पा रहा हूँ, पेड़ पूड पे कहीं पे लाइक बेड बुड के ऊपर कहीं पे हम लोग इसको रख सकते हैं लाइक आई डोंट नो मैन। यहाँ पे कुछ तो 0 out of 64 सामान लिख के मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं भाई इस चीज़ के बारे में। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, खाने का सामान ऊपर डाल देते हैं। एंड प्लीज़ यार जल्दी जल्दी मेरे पास यहाँ पर ये आ जाए बस, बहुत सारे एंड पोर्टल के फ्रेम्स, मैं तो बड़ा खुश हो जाने वाला सही में। देखो ब्लास्ट फर्नेस भी आई हुई है गाइस, तो ब्लास्ट फर्नेस को मैं यहाँ से अंदर लगा देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। एंड बाकियों को फेंक देते हैं, बाकी किसी काम की नहीं है। एंड या गाइस, बाकी आई डोंट थिंक सो मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत है। स्कूट के साथ हम लोग एक बहुत ही प्यारा जैसा एक हेलमेट बना सकते हैं जिसमें हमको लोगों को 10 सेकंड की एक्स्ट्रा वाटर ब्रीदिंग मिलती है, बट आई डोंट थिंक मुझे इसकी जरूरत है, फेंक दो उसको भाई नीचे। एंड बाकी यार मेरे पास यहाँ पे गाइस बहुत सारी ब्रिक्स वगैरह है, चलो ब्रिक्स से काम करते हैं ना, अपने घर के इधर वाला ना ये इलाका मैं बनाता हूँ, ये ना एकदम अच्छा लगेगा। और जो ये वाले ब्लॉक से मैं इनको तोड़ने वाला हूँ, अभी इनको तोड़ने वाला हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा सुंदर भी बनाया जाए अपने इस इलाके को, क्यों थोड़े अलग अलग कलर टाइप के जो ये ब्लॉक्स मुझे दिख रहे हैं, ये मुझे OCD ट्रिगर कर रहा है भाई मेरे अंदर का, लाइक मेरे को गुस्सा आ रहा है। मुझे थोड़ा सा ऐसे बैलेंस देखना ज़्यादा पसंद है सच्ची बताऊँ तो मैं। ओके तो इसको तोड़ा मैंने, और इसको भी तोड़ना पड़ेगा एक ऐसे यहाँ पे मेरे को मुझे यहाँ पे डबल लेयर पे लगाना पड़ेगा इसको, इन ब्रिक्स की स्लैब्स को। तो इसको मैं यहाँ पर पूरा का पूरा तोड़ लेता हूँ, और धीरे धीरे करके इसको मैं पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे करके फिल करता हूँ, और इसको मैं ऐसे करके यहाँ पर अच्छे तरीके से फिल कर लेता हूँ, और दूर से चेक करूँगा एक बारी कि दिख कैसा रहा है। ओके यस, अब जाके एंट्रेंस ना हमारे घर की एकदम ऐसे सिमेट्रिकल लग रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को इसको ना ज़्यादा बाहर के लिए निकालना चाहिए था, यू नो इधर के लिए बाहर के लिए। वेट कितने बनेंगे? और टोटल 8 बनने वाले, 8 आई गेस काफ़ी होगी। इसको मैंने कहा यूं करके लगाने वाला हूँ। हाँ ये ही तो कमी लग रही थी मेरे घर के अंदर, ठोला लग रहा था मेरा घर सच बताऊँ तो मैं। और थोड़ा सा ऐसे बस बाहर जाने का है, और यहाँ पे इसको ऐसे करके लगाने का तो था, बट मैंने गलत लगा दिया इसको यार। थोड़ा सा इधर के लिए चल, इसको तोड़ और इसको एकदम सिमेट्रिकल बना भाई साहब। अगले दिन का वेट करते करते ना मैं पागल हो रहा हूँ सच बताऊँ तो मैं। आई एम सो एक्साइटेड कि अगली चेस्ट के अंदर हमारे क्या निकलने वाला, सच्ची में गाइस बहुत एक्साइटेड हूँ मैं यार, आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन। चलो फालतू के ब्लॉक सारे के सारे तोड़ने के बाद ये छुटकू सा घर हमारा बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड इसके अलावा बाकी सारी चीजें फालतू को बोन ब्लॉक्स वगैरह मिले हुए गाइस, बोन ब्लॉक से क्या करूंगा मैं भाई मुझे बताओ यार। बोन ब्लॉक्स, ओ ओ ओ पेड़ देखो भैया पीछे कितना बड़ा उग चुका है, देखा ही नहीं मैंने तो लास्ट तक। ओ माई गॉड, चलो बोन ब्लॉक्स एटलीस्ट एक काम में जरूर कर सकता गाइस। इसको यहाँ पे लगाया एंड इसको फेंक पहले तो भाई, यहाँ पर बहुत सारी हम बोन मिल निकाल के इसको बड़ा कर लेते, और क्या करना यही है इसके काम, और इसका कोई काम नहीं है भाई साहब। चलो गाइस मैं एक काम करने वाला हूँ यहाँ पर, मैं अगले दिन का वेट करने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स वेट फॉर अनदर डे। ओ द चेस्ट हैज बीन रीफिल्ड, क्या है भाई? ओ माय गॉड यस 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 गाइस, थैंक यू गॉड। एक और एंड पोर्टल फ्रेम देने के लिए थैंक यू गॉड। यहाँ पर क्लॉक दी हुई है, क्लॉक एक काम करता रुको, इस क्लॉक को ना मैं इधर लगाएगा, अगर मैं इसको लगा नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए आई थिंक आइटम फ्रेम की जरूरत होती है भाई। अगर आइटम फ्रेम नहीं होगी तो बहुत गुस्सा भाई, क्यों दे रहे हो मुझे फिर फालतू की बोन मील यार? अगर यहाँ पे आइटम फ्रेम मुझे नहीं देने तुम लोगों ने तो क्यों मेरे यहाँ पे बेवकूफ बना रहे? कॉन्डुइट मिल रहा है, वाटर बकेट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। चलो यार एक काम करता गाइस, एमेथिस्ट मिला है तो एमेथिस्ट के साथ भी थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ मैं अपने इस प्लेटफॉर्म को भाई, अच्छा लगेगा है ना, यूं करके भाई ये देखो भाई है ना, इस पे चलूंगा तो एटलीस्ट कुछ मेलोडियस आवाज तो आएगी यहाँ पे, बाकी तो बड़ा बोरिंग हो रहा है। यूं करके भाई शाबाश, और जो बचे हुए 7 ब्लॉक्स इनको मैं यहाँ पे लगाता हूँ समथिंग लाइक दिस। और अब देखो एक एक्स्ट्रा ब्लॉक हमारे बच रहने का, इसको फेंक दो भाई किसी काम का नहीं अभी मेरे लिए। ओके और एक चेस्ट प्लेट वगैरह भी मेरे ना फालतू के ना रास्ते में लगी हुई है यार। इस क्राफ्टिंग टेबल को भी मैं यहाँ पे लगाकर, जो दूसरी क्राफ्टिंग टेबल है इसको मैंने यहाँ पे लगा देता है ना, ये क्राफ्टिंग टेबल काम आ जाएगी हमारे नजदीकी वाली क्राफ्टिंग टेबल होगी हमारी ये इस मेन प्लेटफॉर्म के। तू चल भाई यहाँ से नीचे। इसके अलावा और कुछ काम का है क्या हमारा? ना ही, बाकी कुछ भी काम का नहीं है आई थिंक। हम लोगों को गाइस एक और दिन यहाँ पे रुकना। ओह सॉरी, यहाँ पे डर्ट दी हुई है भैया, डर्ट रूटेड डर्ट भी है भाई। आई डोंट नो कि रूटेड डर्ट क्या होती है, बट ये 16 डर्ट हमारे काम की है सच्ची बताऊं तो। चलो इसके साथ में गाइस यहाँ पर बनाने वाला एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, अगर हम लोगों को और यहाँ पर पेड़ पूड़ उगाने होंगे ना तो यहाँ पर उगा देंगे हम लोग इसके बाद, ठीक है। 1, 2, 3 and 4 लेट्स गो। मुझे ये नहीं पता कि ये रूटेड डर्ट क्या होती है ब्रो, व्हाट इज अ रूटेड डर्ट? ओ भाई लग तो सेम टू सेम डर्ट की तरह रही है, बट पता नहीं क्या है, तो हल्का सा टेक्सचर चेंज है इसका। रुको, यहाँ पर कोई मेरे पास, आई थिंक मेरे पास वो सैपलिंग्स पड़ी हुई थी, हाँ ये रही सैपलिंग्स। उगता, ओ हम लोग इसमें उगा सकते हैं इसको, नाइस यार, ठीक है भाई रख के रखते हैं इसको भी। एंड इसके अलावा और किसी भी चीज की मुझे
जरूरत नहीं है, बट मुझे नहीं यहाँ पर गाइस अभी मैजेंटा स्टेन्ड ग्लास दिखा तो आई थिंक मैं इसका इस्तेमाल कर ही देता हूँ यार। कुछ बैनर्स वगैरह पड़े हुए हैं अपने घरों के अंदर, इनको यू नो यू करके लगा देते हैं एक साइड पे, यू नो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेकोरेशंस। जो स्टेन्ड ग्लास है, इन स्टेन्ड ग्लास को मैं यहाँ पे लगाता हूँ जस्ट टू वॉक ऑन देम, ताकि मुझे लगे कि मैं यू नो हवा में चल रहा हूँ, मुझे भी थोड़ी भगवान वाली फीलिंग आए यूं करके। ठीक है, यहाँ पे देखो, यस यस, आई मीन थोड़ा बहुत देखा है डेकोरेशन के लिए अच्छा यार। ओ मैंने इसको अपने पूरे घर के आसपास लगा सकता हूँ इसमें यार, ऐसा है ना। एक काम करते हैं, मैं वही करने वाला हूँ अभी, इसको मैं अपने घर के आसपास तक लेके जाऊंगा बैक साइड के लिए। हाँ, सिंगल लेयर पे लगाते हैं बैक साइड पे, ताकि पूरा का पूरा घर आई थिंक मेरा कवर इससे हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि पूरा घर होगा, बट इसके अलावा आई गेस एक और था, 39 मैजेंटा वाला पड़े हुए ना, उसको मैं इधर से लगाता हूँ। ओ यस यस, और बाकी उस चेस्ट के अंदर गाइस कुछ भी खास था नहीं, तो मैं वेट करने वाला हूँ अगले दिन का। ओके गाइस, एक और बार हमारी चेस्ट यहाँ पे रिफिल हो चुकी है, क्या होगा इसके अंदर। ओ This is nice progress, bro. हाँ, इस बार यहाँ पे हमारे को जो आई है ना, okay, emerald के block, अरे बाबा, हम लोग तो अमीर भी भाई, 25 emerald भी हो चुके हैं। लावा की बकेट मैं यहाँ पे अपने लिए बना सकता हूँ, लाइक वो कबल स्टोन जनरेटर वगैरह, बट ना ना भाई ना, हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल भी हमें जरूरत है नहीं उस चीज़ की। एंड उसके अलावा स्कैफोल्डिंग हम लोगों के काम आ सकती है फाइनल फाइट के लिए, ये आ सकती है हमारे काम। चलो इस वाले को भर लेते हैं फाइनल फाइट वाले को इससे। एंड उसके अलावा देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग ब्रो, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है इसमें, मुझे एक और दिन का वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। वाह, आई कांट बिलीव दिस मैन। ऑल राइट, नई चेस्ट हमारी आ चुकी है। इसके अंदर क्या है? देखो इसके अंदर गाइस 4 बकेट्स तो हमको खाली वाली मिली, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है तब भी। एंडर चेस्ट, ओ एंडर चेस्ट, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए। तो एक काम करते हैं ना, एक एंडर चेस्ट के अंदर बाकी के 2 एंडर चेस्ट डाल के रख देते हैं, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट है, अगर अपना सामान मैं ऐसे कैरी कर सकता हूँ। नाइस ब्रो, 63 जंगल के लॉक्स, यानी कि ब्लॉक्स की कमी होने वाली फाइनल फाइट के लिए हमारी। एंड नाइस की बुक शेल्फ, यस यस, फाइनली गाइस हम लोग एंचेंटमेंट भी कर सकते हैं, आई एम सो हैप्पी। एक काम करते हैं, इस इलाके पे ना अपने लिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक एंचेंटिंग वाला सेटअप। ओके भैया, 15 बुक शेल्स की जरूरत होती है, 27 है टोटल। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ना ये सारी के सारी ऊपर के लिए लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है, यूं करके। आई थिंक इतना ही काफी होता है। हाँ, एक बज के ना वहाँ पे चलेगा। अभी बस मेरे को यहाँ पे एक वेट, क्या मैंने ये सही लगाई भी है? मुझे शक हो रहा है इसके ऊपर। यहाँ पर हम लोग एक लैक्टर्न भी तो चाहिए होगी ना यार। एंड लैक्टर्न बनाने के लिए आई थिंक हम लोगों को 3 क्या चाहिए होती है हम लोगों को, ये बल्कि इसको एक बार नीचे निकालना पड़ेगा मेरे को, मेरे इन्वेंटरी पे स्पेस ही नहीं है भाई साहब। इसको फेंको यार यहाँ पे। और ये रिस्पॉन एंकर क्या, क्यों है भाई ये रिस्पॉन, मुझे मारने के लिए क्या? फट के मर जाऊंगा मैं इनसे, और कुछ नहीं होता इनका काम, ठीक है। आई थिंक ऐसे करके एक बुकशेल्फ बनती है हमारी, यूं कर, यस यस बॉयज एंड गर्ल्स। और यहाँ पे हम लोगों को बनानी होती है ये, जितना मेरे को याद है ऐसे करके बनती। ओ यस बेबी बॉयज एंड गर्ल्स, यस लेट्स गो। इसको मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। लैक्टर्न होती थी क्या होती, अभी मैंने लैक्टर्न बनाई क्या यहाँ के? ए भगवान, हम लोगों को डायमंड्स की जरूरत पड़ती है यार, मैं क्या बेवकूफ हूँ यार सच्ची में। एंचेंटिंग सेटअप के लिए मैं लैक्टर्न बना रहा हूँ यार, मैंने पूरे तरीके से भूल चुकी है बेसिक माइनक्राफ्ट की जो रूल्स है ना, मैं सारे भूल चुका हूँ यार। बहुत टाइम हो गया भाई इनको खेले, बहुत टाइम हो चुका है, हमें फायदा उसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ऑब्सीडियंस की जरूरत पड़ सकती है गलती से नेदर, वैसे नेदर जाने की जरूरत है नहीं गाइस, 14 ब्लेज रॉड्स एंड 29 ब्लेज पाउडर्स पड़े हुए हैं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। गोल्ड वगैरह की जरूरत पड़ सकती है एंड मैग्मा क्रीम की जरूरत पड़ सकती है, इसको भी डाल के रख देते हैं। बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, आई थिंक हम लोगों को एक और दिन बीतने का वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, मेरे को एक और रास होना है, मुझे बस न्यू चेस्ट के अंदर गाइस डायमंड्स चाहिए। अगर डायमंड्स मिल गए ना यहाँ पे, अगर डायमंड्स मिल गए गाइस, मैं चाहूंगा कि तुम सभी लोग इस वीडियो पे लाइक मारना। एंड अगर नहीं मिलेगा गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आई होप कि तुम लोग कुछ ना कुछ जरूर करोगे। एंड यस, इसके अंदर 2 डायमंड्स पड़े। ओ भाई, व्हाट व्हाट, ये तो बहुत, अरे मेरा काम हो गया भैया, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा मेरे को बस इसको खाली करने दो, मेरा काम हो चुका है। देखो लैक्टन, ओह माय गॉड, मुझे लैक्टन नहीं तोड़नी पड़ेगी, मुझे ना एक्चुअली यहाँ पे बुक की जरूरत है यार। मैं एक नंबर का बेवकूफ क्या, यहाँ पे लेदर वगैरह पड़ा हुआ है, प्लीज लेदर दे दो, लेदर है नहीं, मुझे ना यहाँ पे एक इसको तोड़ना पड़ेगा भाई। लैक्टन बना के मैंने वेस्ट कर दिया यार फिर तो भैया। और यहाँ से गाइस मुझे चाहिए होंगे ऑब्सीडियंस, आई गेस 4 ऑब्सीडियंस चाहिए होते हैं, एंड आई थिंक बन जाना चाहिए भाई अब तो। ये देखो यहाँ पे बन रहा है, ओ यस एंचेंटिंग टेबल। भाई कितने सालों के बाद मैं एंचेंटिंग कर रहा हूँ, तुम लोग आइडिया भी है अभी गाइस कितने सालों के बाद। आ जा भाई आ जा, अब अगर मैं यहाँ पर इसको डालूंगा तो
हाँ यहाँ पे हम लोगों के इस लेवल्स चाहिए होंगे बस अपने इस पे है ना, और लैपिस लजूली चाहिए होगा। लेवल्स के लिए तो भैया, लेवल्स के लिए देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर, 15 बॉटल चांटिंग पड़ी है, देखते से कितने लेवल्स आते हैं हमारे। ओवरऑल आएंगे इससे हमारे 7 लेवल्स। नहीं 7 तो बहुत ही कम है, 7 तो बहुत ज़्यादा कम है भाई, थोड़े तो ज़्यादा जाता, ये गलत बात है भैया। अब लैपिस लजूली के लिए भाई लैपिस लजूली पड़े हुए हैं, मैंने देखा ही नहीं था। और यहाँ पे देखो भाई इसको हटा दे भाई, नेदरराइट की चेस्ट प्लेट है मेरे पास, इसको फेंक दो यहाँ से नीचे, इसका कोई काम नहीं है। एंड नेदरराइट की चेस्ट प्लेट भी आ चुकी है, उसके अलावा एक टर्टल का एग भाई सा, आजा आजा मेरा टर्टल एग्गू चुरक जा, मैं तेरे को ना बिल्कुल भी टच करना चाहता नहीं हूँ। सो लेट्स जस्ट डू वन थिंग गाइस, थोड़ी देर में ना अपने आप यहाँ पे हैच हो जाएगा शायद से, इसको मैं यहाँ पे रख देने वाला ठीक है, एक टर्टल भी तब तक निकल जाएगा इसके अंदर से है ना, क्या ही फर्क पड़ता है। एंड यहाँ पे हमारे एक और शल्कर बॉक्स आया, शल्कर बॉक्स को यहाँ पे रख देते हैं, एंड बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं, एक और रात के बीतने का वेट करना पड़ेगा। इतने जो बटन्स है ना भैया, इन बटन्स को ऐसे अपने वर्ल्ड में हर कहीं लगाते, ये भी एक अच्छा लुक दे सकता है मेरे हिसाब से है ना। देखो यूं करके है ना, हर जगह पे हम लोग ऐसे करके बटन्स को लगाने वाले हैं। आई थिंक इट इज लुकिंग गुड माई ब्रदर्स। ऑलराइट अगला दिन हो चुका है, क्या है इसके अंदर देखेंगे जरा खास, कुछ भी नहीं इसके अंदर। नेदरराइट के स्क्रैप्स है, यहाँ पे देखो 25 तो ये भी थे। अरे नेदरराइट के स्क्रैप्स से मैं करूंगा क्या, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बट ओ इसको स्मेल्ट करके मुझे ये भी तो, अरे स्मेल्ट करके भी तो हमको मिलती है एक्सपी, देखो 7 से 10 होगी ब्रो। ओके मैं ना यहाँ पे अलग अलग चीजों को स्मेल्टिंग पर भी लगा सकता हूँ, इससे क्या होगा हम लोगों को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेवल्स वगैरह मिलने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो नाइस यार, मैं सोचा नहीं था इसके बारे में। Yes, baby girls. Guys, मैंने ना अभी तक इतने सारे खोल दिए ना, इतने सारे, तुम लोग यकीन नहीं मानोगे मेरी बात का, मैंने बहुत सारी चेस्टें खोल दी है। एंड ओवरऑल 11 एंड पोर्टल के फ्रेम्स मिल चुके मुझे, 11। कैन यू गाइज बिलीव दिस। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आर्मर भी तैयार है। एंड उसके अलावा गाइज 32 नेदरराइट के स्क्रैप्स, 42 डायमंड के ओर्स, और 2 तो डायमंड के ब्लॉक्स मिले हैं मेरे को, ट्राइडेंट मिला है, ये पता नहीं क्या इको शार्ड मिला था, गोल्डन एनचांटेड एप्पल, एंड उसके अलावा बहुत सारी कैंडल्स। अब इन कैंडल्स को गाइस क्या करने वाला हूं मैं, जस्ट वेट एंड वॉच माय ब्रदर्स, हम क्या करेंगे इनको हम लोग लाइट अप करके रखेंगे। ओके रात के टाइम पे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, ओके हमारा घर यहाँ पे पूरा का पूरा कैंडल लाइट से जला हुआ होना चाहिए। चलो मैं काम करता हूँ भैया, अपने घर के ना आसपास में हर जगह पे लगा देता हूँ, हर जगह पे डबल डबल भी लगा सकते हैं बाय द वे। एंड अंदर के साइड मैंने एक ग्लो स्टोन लगाया था, बट यू नो इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, और इनको मैं करता हूँ लाइट अप अच्छे तरीके से, काफी जरा प्यारी लगने वाली है, है ना। जहाँ पे रात होगी ना इसके बाद तब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा ये। यस इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, लेट्स गो। बस गाइस एक और एंड पोर्टल फ्रेम का वेट करना है, देन उसके बाद हम लोग जा सकते हैं। रुको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ना आगे के लिए इधर को बनाने वाला हूँ मैं। प्लीज टेल मी हम लोग इसको नीचे रख सकते हैं, पता चले कि इसको हम लोग नीचे नहीं रख सकते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई बहुत बड़ी, है ना। अगर हमने उसको नीचे रख ही नहीं पाया तो फिर क्या फायदा हुआ इसका। मैंने कहीं ना कहीं गाइस ये रूटेड वाली ना और रखी हुई है, जितना मेरे को याद है मैंने रखी हुई, हाँ ये रखो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है ना। आ जाओ थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको, यूं करके बस एक आखिरी यूं करके लगाना मैंने, एंड दैट्स इट। एंड प्लीज टेल मी हम इसको लगा सकते हैं नीचे। यस भैया खुद से बनाएंगे अपना यहाँ पे एंड पोर्टल, मजाक हो रहा है क्या। 1 2 बस एक आखिरी चाहिए यहाँ के लिए, बस एक आखिरी भाई, ये आ जाएगा तो मेरी लाइफ यहाँ पे ना सुधर जाएगी सच्ची में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्टिंग है नहीं, हाँ ये शुगर केन्स वगैरह काम के हैं, आई नो इनसे हम लोग यहाँ पे पेपर्स वगैरह बना सकते हैं, बट पेपर से क्या अचार डालूंगा क्या फिलहाल को गाइस, अगर हम लोग इसको डालेंगे तो अनब्रेकिंग वगैरह वन ही मिल रहा है। 16 लेवल्स चाहिए यार, 1 सेकंड होगा ना, बाकी का सामान भी तो मैं नीचे निकाल ही सकता हूँ ना, इस पे क्या मिलेगा अगर मैं इसको डालूंगा तो, प्रोटेक्शन मिल रही है, ना 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 बेटा, अनब्रेकिंग फायर प्रोटेक्शन, ना 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 बेटा, ना सिर्फ प्रोटेक्शन, और जूते में क्या मिल रहा है अनब्रेकिंग, भाग गया ऐसे तेरी ऐसे की तरह। थोड़े बहुत गाइस और लेवल्स बढ़ाने पड़ेंगे मेरे को ना, फिर मेरा काम हो जाएगा, तब तक मैं इनको तो पहन के रख ही देता है ना। इतना छोटा सा वर्ल्ड है मेरा, बट देखो कितना प्यारा बन चुका ऑलरेडी यार, आई कांट बिलीव दिस मैन। ओ मैंने यहाँ पे गाइस कुछ कुक चिकन वगैरह पकाए थे, तो इससे भी तो मेरे लेवल यहाँ पे इंक्रीज होंगे, तुम लोग गौर से नीचे। यस इससे भी इंक्रीज हुए हैं, हम लोग यहाँ पे जितना ज्यादा खाने का सामान भी पकाएंगे उससे भी तो हमको यहाँ पे लेवल्स मिलते हैं ना भैया, जितना भी खाने का सामान आ रहा है ना, मैंने अभी तक बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया यार यहाँ पर ना गाइस। मेरे पास चिकन वगैरह, हाँ चिकन तो मैंने डाल ही थे ऑफकोर्स, बट उसके अलावा मेरे पास और भी सामान आया था जो मैं पका सकता था, आलू वगैरह आए थे बीच में यार, मैंने पता नहीं क्यों पकाया नहीं, मतलब उससे क्या होगा हमारी एक्सपी गेन होनी थी ना, बाकी तो सब कुछ ठीक था। चलो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर ना अगली चेस्ट का वेट करने वाले हैं, देन उसके बाद
आई थिंक उसमें अगर ये एंड वर्ल्ड के फ्रेम्स निकल गए ना भाई, मजा आ जाएगा फिर सच्ची में। फिर हम लोग जाएंगे एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए। लेट्स गो। पक्को पक्को भैया, कितना ज्यादा खाना और बचा हुआ है, इससे मेरे लेवल और देखो कितना ज्यादा। ओ मुझे चेस्ट रिफिल की आवाज क्यों आई? व्हाट 24 आई ऑफेंडर, लेट्स गो। एक आई तो मैं वेस्ट भी कर सकता। देखो ये लोग यहाँ पे गाइस, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, परे बाहर जा नहीं रहा है। इसका मतलब समझो तुम लोग, इसका मतलब ये है कि इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम लोगों को खुद ही बनाना पड़ता है। 24 है भाई आई ऑफेंडर्स, इसका मतलब मुझे तो ब्लेज रॉड्स की जरूरत भी नहीं है। ये भगवान क्यों है भाई फिर ये चीज यहाँ पे मुझे दी हुई? इतना ज्यादा एक्साइटेड मैं क्यों था अभी तक यहाँ पे इन ब्लेज रॉड्स के लिए? आई हैव नो आइडिया। चलो कैसे काम करते हैं, यहाँ पे ना बहुत सारे हमारे जो नेदरराइट के स्क्रैप्स है ना वेस्ट हो रहे हैं, तो एटलीस्ट लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पर अपने लिए 5 नेदरराइट के इंगेट्स बना सकता हूँ इससे, है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत गोल्ड पड़ा हुआ था मेरे पास, तो जो 5 नेदरराइट के इंगेट है उसको ऊपर रख देते हैं ना। ओ मैं एक चीज, अरे भाई मैं तब से लेके सोच रहा था कि मुझे यहाँ पे ना इसका हेलमेट चाहिए था यार नेदरराइट का, तो मैं खुद बना देता हूँ ना भाई। देखो ये आगे हमारा डायमंड का, यहाँ पर हमारी स्मिथिंग टेबल पड़ी हुई है, याद होगा तुम लोगों को 16 मिली थी पूरी की पूरी। इस पे अपने को, अरे भाई कहाँ गया ये, तू इधर आ चुपचाप से एक बारी आ जा नेदरराइट के इंगेट्स। ये देखो भैया इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं डालना है इसको यार, यहाँ पे डालना था इसको, ये यहाँ पे नेदरराइट का हमारा पूरा का पूरा आर्मर तैयार हो चुका है। लेट्स गो, है ना बहुत ही एपिक चीज गाइस। ओ भाई साहब 13 लेवल्स भी हो गए मेरे, अरे भाई ध्यान ही नहीं दिया इस चीज का यार। इससे भी तो एडवांसमेंट ग्रांट करने से भी तो हम लोगों के एक्सपीरियंस गेन होती है। अरे यार भाई मैं तो कब का बना चुका होता यार। फिर आई डोंट नो कि गाइस अगर पूरा पूरा डायमंड का आर्मर होगा तो क्या उससे मिलती है कि नहीं। हाँ एक और उससे मिलती है गाइस हम लोग, मैं तुम लोग को बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर पूरा का पूरा एक इसका आर्मर बनाऊंगा ना, उससे भी शायद से मिलती है जितना मुझे याद है, जितना मेरे को याद है उससे भी मिलती है। इसको नीचे निकाल फेंक दे और इसको पूरा का पूरा पहन जरा एक बारी, क्या मिलती है इससे? नहीं मिले इससे मेरे को। क्या यार पूरा वेस्ट हो गया, सच्ची में भाई पूरा वेस्ट हो गया यार। इतने सारे आयरन मैंने यहाँ पर पूरे तरीके से वेस्ट करवा दिए। अरे कोई बात नहीं भैया, हमें जरूरत नहीं। चलो इसको मैं आग से जला देने वाला हूँ। सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने तो देखा ही नहीं इसको, स्वेयर टू गॉड मैंने देखा ही नहीं इसको। मैंने इसको देखा क्यों नहीं मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब। चेस्ट खोली तो अंदर ये पड़ा हुआ था एक एंड पोर्टल का फ्रेम, कैन यू बिलीव दिस, कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। चलो भाई हो गया। आई थिंक गाइस कि अभी हम लोग इसको भर से, एक सेकंड रुको, क्या मैं अगर इसको यूं करके मारूंगा अब? नहीं अभी भी नहीं आ रहा है, मुझे लगा था शायद से इसको देखकर ये फिर भी चलना स्टार्ट तो कर ही देगा। एंड इसी के साथ हम लोग कर सकते हैं गाइस, बट यार मुझे ना अभी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत एंचांट करना था खुद को, मैं क्या करूं। रुको गाइस, यहाँ पर इतने सारे जो हमारे ये पड़े हुए हैं ना, ठीक है इनको मैं यहाँ पे रखता हूँ अच्छे तरीके से, और इनको खोद के भी तो हम लोग यहाँ पे वो मिलेगा एक्सपीस वगैरह मिलने वाले। एक एटलीस्ट कुछ ना कुछ मैं एनचांट करके जाऊंगा यार एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं सच्ची बताऊँ तो। एंड इसको करने के लिए मुझे यहाँ पे ना डायमंड की वो चाहिए होगी। आ जा भाई, ये बन जाएगी हमारी डायमंड की पिकैक्स। चल भाई इसको खोदना स्टार्ट कर। यस इससे भी हमको हल्के हल्के लेवल्स मिलने वाले हैं। मुझे ना इससे पहले बहुत सारे कोल के ब्लॉक्स भी मिले थे यार, इतने सारे कोल के, आई गेस 64 थे भाई पूरे एक एक चेस्ट के अंदर। तो भाई वहां से भी मेरे को पता है कोल को ड्रॉप करके कितना ज्यादा आपको यहाँ पे एन्चांटमेंट मिलती है, लाइक लेवल्स मिलते हैं। देखो 16 लेवल ऑलरेडी क्रॉस हो भी चुके गाइस मेरे, दिस इज नाइस। ऐसे करके तो भाई मैं 18-19 लेवल तक पहुंच जाऊंगा। मैं मल्टीपल चीजों को यहाँ पर ना ज्यादा हाई लेवल की ये कर सकता हूँ, एन्चांट वगैरह कर सकता हूँ। All right, 19 लेवल हो गए भाई, जो बोला था वही हुआ है। चलो गाइस चेस्ट प्लेट के ऊपर मारता हूँ सबसे पहले मैं, ठीक है ना। चेस्ट प्लेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, प्रोटेक्शन 2 मिल रहा है एंड अनब्रेकिंग नहीं चाहिए था एक्चुअली में यार। अनब्रेकिंग क्या यार, एक ही तो फाइट करनी है मैंने उसके साथ, मैंने क्या कोई बड़ा भारी कुछ ज्यादा करना। अगर मुझे गाइस यहाँ पर मिल जाएंगे ना क्या बोलेंगे उसको, ओ माय गॉड इसके लिए 3 लैपिस ले लीजिए। अरे लैपिस नहीं है मेरे पास, मेरे पास लैपिस नहीं है यार, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए थी, लाइक पैरों की प्रोटेक्शन, क्या बोलते हैं उसको, फेदर फॉलिंग चाहिए थी यार। बट कोई नहीं गाइस, एक स्नो पाउडर है ये हमारे क्लच के काम आ सकती है, वाटर बकेट क्लच के काम आती है हमारे, एंड बेड्स भी लेके चलते हैं। एग्जैक्टली गाइस, बेड्स भी तो जरूरी है हमारे लिए। और ये हमारे गाइस यहाँ पे रिकवरी कंपास है, इससे क्या होगा शायद से हम लोगों का जो, अगर हम लोग मरते वगैरह है तो ये उसके लिए काम आ सकता है। ओके कोई बात नहीं, बेसिक मैं कर ही लेता हूँ यार। मेरे पास यहाँ पे लैपिस लजूली नहीं है, अदरवाइज बढ़िया हो जाता है मेरे लिए बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखो शार्पनेस 2 है, शार्पनेस 2 से गाइस क्या होगा कि हम लोगों को ज्यादा अच्छे से, हम लोग थोड़ा बहुत एंडर ड्रैगन की ज्यादा हेल्थ जल्दी जल्दी खा सकते हैं। चलो यार बढ़िया हो गया। तो गाइस ऑफ कोर्स हम लोग अपने लिए एक एक्स भी तो बना सकते हैं नेदरराइट इंगेट की। अरे भाई वेट, ये मैंने क्या किया,
ये मैंने क्या किया भाई, मैं कितना अनपढ़ हूँ, मैं कितना अनपढ़ हूँ भाई, ये मैंने क्या किया अभी। मुझे शर्म आ रही खुद को माइनक्राफ्ट का प्लेयर बोलते हुए, मैं नेदरराइट के इंगिट के साथ बना रहा था यार। सच्ची में डूड, मैंने इतनी डंब हरकत कैसे करी अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सच्ची में मैन, आई कांट बिलीव मी, क्या किया ये मैंने अभी अभी। चलो पूरा का पूरा नेदरराइट के सामान वगैरह तो मेरे पास आ चुके हैं, बस लैपिस लजूली नहीं है, वरना मैं इन सभी के सभी को ना एन्चांट जरूर करता। बट कोई बात नहीं है, फिलहाल को जरूरत भी नहीं हम लोगों को। हो सकता है गाइस कि ये वर्ल्ड हमारा आखिरी बार हम लोग इस वर्ल्ड को देख रहे हैं, तो क्यों ना अपने घर को थोड़ा सा सुंदर बनाया जाए इनको यूं करके लगाकर। अगर कोई वहाँ दूर से हमें देख रहा होगा, सपोज करो वहाँ उस साइड से कोई अगर हमें देख रहा होगा, तो हमारे घर को इस वाइट यू नो इस बैनर से अच्छे तरीके से देख सकता है। हस्ताला विस्ताला माई वर्ल्ड, काफ़ी ज़्यादा याद आएगी मेरे को आपकी। सच बताऊँ तो मैं सच बता रहा हूँ, जब भी मैं इस टाइप के वर्ल्ड्स में खेलता हूँ और मुझे पता होता है आइंदा से मैं कभी वापस नहीं आऊँगा यहाँ पे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा याद आती है भाई इस वर्ल्ड की, उन टाइप के वर्ल्ड्स की सही में। बट क्या ही कर सकते हैं गाइस, अभी मैं ऑलमोस्ट छलांग मारने वाला था बेवकूफों की तरह। अपने खाने खुने का सामान लेके चलते हैं एक बारी, और जितना भी फालतू का सामान है वो सारा का सारा मैं फेंक देने वाला हूँ। एक टर्टल का एग है उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि ये दोनों हैच हो जाए, साथ में रहे इस वर्ल्ड के अंदर, है ना। हम लोग वापस आए ना आए गाइस, ये लोग जिंदा रहने बहुत ज्यादा जरूरी है मैन। ऑल राइट गाइस, अपने लिए बहुत सारा सामान लेके जा चुका हूँ। 3 बेड्स रखे हुए हैं मैंने वहाँ पे, यू नो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करने के लिए ऑब्सीडियंस वगैरह है, एंड आई थिंक इतना सामान काफी है मैन। सो 3, 2, 1 हस्ताला विस्ताला माय फ्रेंड्स, चलो मारने चलते हैं इस एंडर ड्रैगन को बहुत दिनों के बाद। मेरे पास यहाँ पे क्यों नहीं है बहुत सारे पर्ल्स वगैरह, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा दुख है। बट कोई बात नहीं, स्मार्टी पाई आ रहा है एंड्रॉइड ड्रैगन तुझे मारने के लिए। मैं बहुत टाइम के बाद मार रहा हूँ बाय द वे इसको, सच्ची बताऊँ तो मैं। बट कोई बात नहीं फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा मजा आएगा अभी इसको मार के। ये मैं पहुंचा एंड्रॉइड ड्रैगन, हियर आई कम। बाय द वे गाइस, बहुत जल्दी मैं मैनहंट की वगैरह की वीडियोज भी बनाने वाला हूँ। सो या तुम लोगों को मैं सोचा कि पहले बता के रखता हूँ, मुझे ना बहुत सारे पर्ल्स की जरूरत पड़ने वाली है, मुझे पर्ल्स दे दो प्लीज। पर्ल्स की जरूरत कभी भी पड़ सकती है गाइस क्लच वगैरह करने के लिए, ओके। आई नो आई एम अ क्लच गॉड, बट कई बार पानी का क्लच फेल हो जाता है, ऐसे जगह पे हम लोग गिर जाते हैं, है ना, तो उसके लिए हमारे काम आती है ये चीज। और अभी गाइस मेरे को ना एक एक करके सारे के सारे टावर्स के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जस्ट इन सारे के सारे इनको फोड़ने के लिए। वाह भाई वाह, बिकॉज बो एंड एरो नहीं है मेरे पास, मेरे पास ना क्रॉस बो पड़ी हुई थी बट एरो नहीं थे पड़े हुए यार, वो गलत बात हो गई थी। Oh my god, भाई मैं कहां पर अटका हुआ हूं अभी यार। Alright, boys and girls, आखरी वाला भी फट चुका है, let's go। अब हम लोगों को बस एंडर ड्रैगन को मारना। आजा मेरी बेटी आंटी, अब तो तू आजा भाई, अब तो तू आजा। अभी देखो गाइस, आने वाला है असली तांडव। मेरे पास पे कुछ ज्यादा खास टूल्स वगैरह है नहीं है, बट शार्पनेस 2 से ही मैं इसकी बैंड बजा सकता हूँ, सच्ची में। आई एम नॉट इवन जोकिंग, आजा आजा। हील नहीं है आपके पास, अब क्या बोलेगी अपनी तू बाकी एंडर ड्रैगन दोस्तों को, अब बता कहाँ जा रही है वापस आ। मेरे पास यहाँ पे बो एरो नहीं है भाई, इतना दुख ना जिंदगी में आज तक कभी हुआ नहीं है सच्ची में। गाइस लेट्स डू वन थिंग, अपने लिए इसको ऊपर मैं हटा के रखने वाला हूँ, इन बेड्स को ना मैं यहाँ से नीचे निकालने वाला। भाई ये मैंने क्या किया यार, भाई मेरे डबल क्लिक क्यों हो रहे गाइस, डबल राइट क्लिक क्यों हो रहे, मेरे डबल राइट क्लिक एक साथ हो रहे हैं, नॉट इवन जो कि दिमाग की दही हो रही है मेरी ऐसे करके। अभी मैं जो मरने से बचा हूँ ना यहाँ पे, आ रही नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। शाबा बेटे, बड़ा पटाखा कि नहीं बड़ा ढंग का। हाँ अब रुक जाओ गाइस, इसको ना मुंह की साइड से मारना मैंने इसको। छुड़ा दे मेरे को, एक तो मारूंगा तेरे को मैं ऐसे करके ना, एक तो मैं पक्का ही मारने वाला हूँ। ये गाइस मुझे ना मुंह की साइड से हवा में उड़ा सकती है, इस चीज का मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। मुंह की साइड पर ना ऐसे करके कुछ, नहीं भाई साहब, मुंह की साइड से उसको ऐसे मार नहीं सकते है, बहुत टाइम हो गया स्पीड रनिंग करे सच्ची में। और एक तो हर जगह पे आ गया भाई, मेरी कुत्ती लगाई हुई आगे जो मेरे को यहाँ पे डैमेज देगी फालतू का। कहाँ जा रही है, वापस। जस्ट वांटेड टू किल हर मैन, सच्ची में भाई सिर्फ मारना चाहता रहा मैं इसको एक बारी। इस बारी पक्का नीचे आएगी यार, मेरा एक बेड वेस्ट, ओ एक और बेड बचा हुआ अभी मेरा। ओके ठीक है भाई,
ये जो मेरा बेड बचा हुआ है, मैं चाहूंगा कि ये बस सिंगल क्लिक हो बस मेरा। मेरे गाइस माउस से डबल क्लिक एक साथ हो रहा है राइट क्लिक में, पता नहीं क्या हो गया भाई इसको, जिस वजह से गाइस क्या हो रहा है, मेरा खुद का नुकसान हो रहा है, बेड फट गया मुंह के सामने ऐसे ही में। चलो अभी गाइस ये नीचे आएगी, आई थिंक इसका यहाँ पे काम तमाम होने वाला। आ जा, एक चेस्ट के दम पे मैं देख तुझे कहां से कहां तक मारने आ चुका भाई। एक चेस्ट समझ रहे तू, रैंडम सामान मिल रहा था उसके अंदर, ये होते हैं हम। ये ऊपर पता क्यों भाग रहे गाइस, क्योंकि इसको अब शर्म आ रही है अपनी बाकी एंडर ड्रैगनी दोस्त आने को, ये क्या बोलेगी है। बाकी लोग इतनी मेहनत करके आते हैं उसको मारने के लिए, बट एक स्मार्टीफाई नाम का बंदा आता जो कि बिना एफर्ट मारे ही मुझे मार के निकल गया। आजा 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 आजा, शाबाश शाबाश बेटा, ये पटा, लेट्स गो। बिगड़ा दे उसे, इतना आसानी से मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा इतना आसानी से। ओह माय, अरे रुक जा, मेरे को उड़ा दे इससे भाई, बच गया मैं अभी। ओके, अभी इस बार तू नीचे आएगी ना, इस बार नहीं बचेगी तू, सच्ची में आई एम नॉट इवन जोकिंग। मेरे को ना उस टाइम पे मैं वाटर बकेट क्लच मार सकता था जब मैं हवा में था, बट आई जस्ट थॉट कि रिस्क नहीं लेते। एंटर ड्रैगन को बिना मारे, बिना मरे मारना उसको एक बारी, यही मेरी जिंदगी का गोल है फिलहाल को। एंड खाना खा के रख देते एक बारी, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट माई ब्रदर्स। एंड इसका मुझे रहा, ओके अभी ये गई है, अभी तो गई ना। एक साल हो चुका है भाई, एंडर ड्रैगन को मारा ही नहीं मैंने, है ना। मेरे को काफी ज्यादा खुशी हुई गाइस इस चैलेंज को करके आज, अगर तुम लोगों को भी खुशी हुई मुझे चैलेंज करता देखते हुए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसी टाइप के और बहुत ही धातु चैलेंजेस सजेस्ट करो ना यार, प्लीज यार। गाइस अभी मैंने एक बहुत ही डेयर डेविल काम करने वाला हूँ, अगर मेरे नजदीक आएगी ना इसको मैं अभी यहाँ पे रुको, हॉट बार पे इसको ला के रखते हैं, और मैं इसको ना हवा में मारने वाला हूँ एक बार ये, अगर मैं ऐसा कुछ कर पाया। अरे क्यों मार एंडर ड्रैगन को भाई, एंडर मैन को, तेरे ही खानदान के है ये, तू एंडर ड्रैगन है, ये एंडर मैन है, समझी, इन्हीं पे गिरा दिया इसने कसम से, तू एक बार आ तो सही, इसको हवा में मारना गाइस मैंने, मजा आ जाएगा बाय गॉड यार। एक बार हवा में जाना है और ऊपर से नीचे गिरते मारना इसको। आजा, अरे नहीं यार, इसके ऊपर क्यों नहीं लगता ये, नहीं इस बार ही भाग गई है तो मेरा दिमाग खराब हो ही जाएगा पक्का। बाय बाय एंडर ड्रैगन, बाय बाय अस्ताला विस्ता। मेरे को इसको ऐसे हवा में मारना था यार, कितना ही ज्यादा मजा आता गाइस। और क्या छोड़ो गाइस, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो तुम लोग इस मॉड को खेल सकते हो, उसका नाम है वन चेस्ट मॉड, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है बाय द वे वाला मॉड। एंड क्या इसे तुम लोग सर्वाइव कर सकते हो, इसमें तुम लोग 100 डे सर्वाइव कर सकते हो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा खेलते हुए, ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है भाई। सो यार गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो लीव अ लाइक, मैं मिलता हूं तुम लोगों से ऐसी धासु नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ऑसम एंड बाय बाय।